रोजाना सुबह 5 मिनट के लिए लगा लें इस चीज को और आपकी स्किन हो जाएगी टाइट। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एक ऐसी होम रेमेडी के बारे में जिसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है मेरे पेशेंट्स के बीच में, जिसे अगर आप रोजाना लगाते हैं सुबह सुबह नहाने से पहले अपने चेहरे पर सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए, तो आपके चेहरे पर जो पोर्स हो गए हैं, आपकी स्किन जो लूज हो गई है, उसमें आपको टाइटनेस मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, जो गर्मी का मौसम आ रहा है जिसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर टैनिंग सनबर्न हो जाती है, हमारी स्किन झुलस जाती है, उसके अंदर आपको एक रामबाण औषधि की तरह फायदा मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर मनोज, आपका नॉलेज फ्रेंड, आपका भाई। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग के बारे में। और इस तरह के वीडियोस जो इस चैनल पर हम अपलोड करते हैं, आपका प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस रेमेडी के अंदर मैं इंग्रेडिएंट्स यूज करूंगा सिर्फ 5। ये 5 इंग्रेडिएंट आपके घर में बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। और ये 5 इंग्रेडिएंट्स के मिलने पर जो एक केमिकल रिएक्शन होती है, जिस रिएक्शन की वजह से एक ऐसा कंपाउंड तैयार होता है जो हमारी स्किन के पोर्स को टाइट करने का काम करता है, और साथ के साथ गर्मी की वजह से झुलसी हुई हमारी स्किन को ग्लो देता है, उस टैनिंग सनबर्न ब्लेमिशेस को, पिगमेंटेशन को दूर करने में हमारी मदद करता है। तो चलिए दोस्तों, सुन लेते हैं इस वीडियो के अंदर जो रेमेडी है उसे कैसे बनाना है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और आपको लगता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि आपको हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको लास्ट तक देखने पर पसंद आए तो इसे लाइक का बटन जरूर दबा करके लाइक कीजिएगा। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए जो आपको 5 इंग्रेडिएंट चाहिए, उसमें से पहला इंग्रेडिएंट है पटाटो, मतलब एक आलू। एक छोटे साइज का आपको एक आलू ले लेना है। इस आलू को आपको कट करने के से पहले ये ध्यान रखना है कि आपको छिलका नहीं निकालना है। आलू के अंदर स्टार्च होता है जिसकी वजह से ये हमारी स्किन को लाइटनिंग प्रॉपर्टीज देता है, हमारी स्किन के अंदर जो पोर्स ओपन हो गए हैं उनको वापस से श्रिंक करने में हमारी मदद करता है। तो एक मीडियम साइज का या उससे छोटे साइज का आलू ले लेंगे, जिसे काट करके आपको एक ग्राइंडर में रख लेना है। इस आलू के अंदर आपको मिक्स करना है बहुत थोड़ा सा, मतलब 8 से 10 बूंदें नींबू के रस की। नींबू का रस आपकी स्किन के पोर्स को श्रिंक करता है, आपके स्किन के पोर्स को क्लीन करता है, और साथ के साथ में आपकी जो स्किन के ऊपर जो ऑयल रहता है उसे वो निकाल देता है। तो अगर आपकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है तो आप वहां पर नींबू के रस की जगह पर कच्चा दूध इस्तेमाल करेंगे, तो लगभग आधा चम्मच कच्चा दूध आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपकी स्किन ऑयली होगी तो आप 1/4 चम्मच वहां पर नींबू का रस डालेंगे। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट आता है दोस्तों, वो आता है 1 चम्मच, मतलब 1 टेबलस्पून बेसन। इस बेसन को आपको दरदरा पिसा हुआ होना चाहिए, मोटा बेसन होना चाहिए ताकि बहुत अच्छे से काम करे। लेकिन अगर वो नहीं भी है तो भी आप नॉर्मल पिसा हुआ बेसन भी अपने पास ले सकते हैं। बेसन जो है वो इस पूरे के पूरे पैक को एक बॉडी देगा, एक कंसिस्टेंसी देगा, जिसकी वजह से ये पैक आपके लिए लगाना आराम से आसान हो जाएगा और आप इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स ले पाओगे। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट आता है दोस्तों, वो आता है शहद। शहद शुगर वाला नहीं होना चाहिए, शहद नेचुरल होना चाहिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगा, जो कि ऑर्गेनिक होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर शहद ऐड करेंगे, जिससे कि ये हमारी स्किन के अंदर हाइड्रेशन को मेंटेन करेगा। नंबर 5 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों चाहिए, वो चाहिए हमें चावल का 1/2 चम्मच आटा। इससे भी बॉडी मिलती है और साथ के साथ स्किन लाइटनिंग और पोर्स को क्लोज करने की प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती है, जिसकी वजह से हमारे पूरे चेहरे पर पॉलिशिंग प्रॉपर्टीज मिलती है। तो इन 5 चीजों को मिला करके आपको एक अच्छे से ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर लेना है। आप देखेंगे एक मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का पैक बन जाएगा। इस पैक को आपको पूरे चेहरे पर लगा करके 10 मिनट के लिए सिर्फ छोड़ना है नहाने से पहले, और नहाने के बाद, मतलब नहाते समय इस पैक को वॉश कर लेना है। और इसे वॉश करने के बाद आपको मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, जिससे कि जो रिजल्ट्स आपने अचीव किए हैं स्किन लाइटनिंग के, पोर्स श्रिंकिंग के, वो मेंटेन रह सके। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पे बता दूं कि आपको ध्यान ये रखना है कि सनस्क्रीन को लगाए बगैर अगर आप इस रेमेडी को फॉलो करते हैं तो उसकी वजह से इसके बेनिफिट्स बहुत लंबे समय तक नहीं टिकते और आपको बहुत दिक्कत आती है। गर्मियों के समय पे जब हमारी स्किन थकी हुई महसूस करती है तो ये ठंडा सा चिल्ड पैक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी स्किन को वापस से नॉर्मलाइज करने के लिए।
सो उम्मीद करता हूँ ये छोटे से वीडियो के अंदर दी गई इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाने के लिए हम मेहनत करते हैं। आपका प्यार आप हमें इसी तरह से देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज में डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।